जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब में सातवें चरण का आखिरी मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ्स में काफ़ी रश लग चुका है। लोग सुबह से ही धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर यहाँ पे अपने मतदान का सही उपयोग करने के लिए पहुँच चुके हैं। देखो असी तो जिहड़ा इस वेले जिहड़ा बैंसां दा सो कॉल्ड कहा जाता MLA ने गढ़ ने उन्हां दे विच रुझान देख रहे हैं भी की है। बाकी तो कितने बूथ ही नहीं लगे हुए उन्हां दे। ते इत्थे जिहड़ी साडी कांग्रेस पार्टी है इस बार मैं समझदा पहली बार इतिहासिक जित है जिहड़ी कांग्रेस पार्टी की आतम नगर तो होएगी। सानूं जो हुण माहौल आ एक तरफा माहौल जापदा पिया आ क्योंकि साडे जिन्ने वर्कर आ जिन्ने लोगों के समूह वोटर जो रुझान आ वो कांग्रेस पार्टी का रुझान आ। तो असी सवेर के जोड़े साडे वर्कर तो लैके अहदेदार सारे खुश फिरते हैं। एक जी जित आ एक इतिहासिक जित हो जा रही आ। तो वाहगुरु की कृपा नाल 5 बजे तो बाद जी पोजिशन जी सामने ही क्लीयर हो जानी है। असी तो 7:15 बजे आ गए सी जी। मैंने तो वैसे बुखार सीगा पर मैं आ गई जल्दी सी इस करके भी जल्दी पा के जल्दी वापस चले जावे। लेकिन इतने मशीन खराब सी तो इन्हों की सील नहीं खुल रही थी तो उन्होंने कारण सानू अद्धा पौना घंटा वेट करना पड़ा। आप सब देख सकते हैं शाम के 6 बज चुके हैं। आज पंजाब में सातवें चरण का आखिरी मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ्स पर पूरा रश लगा हुआ है। धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर यहाँ के सीनियर सिटीजनशिप जो यूथ है यहाँ की यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे जो चुनावी प्रत्याशी हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, महेश इंदर सिंह गरेवाल, सिमरजीत सिंह बैंस, सब ने यहाँ के अपने अपने बूथ पे जाके वोट डाला है। और हमारे जो एक चुनावी प्रत्याशी हैं मुनीश तिवारी जी अनंतपुर साहिब से खड़े हुए हैं, उन्होंने भी लुधियाना आकर वोट डाला है। तो अब हम देखते हैं कि आने वाली 23 तारीख को किसकी सरकार बनती है और किसको यहाँ की जनता, हमारे भारत की जनता फिर से अपने सिर आँखों पर बिठाएगी ताकि आने वाले टाइम पर हमारे भारत का उतना उद्धार हो सके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।